हाँ काकुल, अब कब आएंगे हमें लेने? काकुल मैं यहाँ काम में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। काकुल अगर घर नहीं आती है तो मेरी माँ सत्याग्रह पे बैठी रहेंगी। आपसे कोई मिलने आए हैं? पापा जी आप यहाँ आइए ना, आइए। पापा जी, दादी जी आप कैसी हैं? अच्छी नहीं है, बार बार तुम्हें याद कर रही हैं, इसलिए तुम्हें लेने आना पड़ा मुझे। आप बैठिए ना। ये हमारी पत्नी है त्रिशा। सफर से आए होंगे आप, थक गए होंगे, आप फ्रेश हो जाइए ना। काकुल इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अमरनाथ जी, हम बाबू साहब को बताते हैं, वो बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। हम आते हैं अभी। आइए बाबू जी। पापा का नंबर लग ही नहीं रहा है। माँ रिलैक्स प्लीज। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही आप? तुझे क्या है, हम जिए या मरे घूम रहा होगा वंशिका के साथ। तुझे परवाह भी है कि तेरी वजह से इस घर में क्या क्या हो रहा है? तेरे पापा घर नहीं लौटे हैं और ना ही उन्होंने फोन किया। जब घर से गए थे तो इतने परेशान थे। मम्मी आप प्लीज उल्टा सीधा सोचना बंद करेंगी, होंगे यहीं कहीं, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ। वाह प्लीज रिलैक्स, चलो मेरे साथ चलो। प्रणाम अमरनाथ जी, आप हमारे घर पधारे, सौभाग्य है हमारा। अरे भाई दामाद जी, खातिरदारियां की कि नहीं? दोहरी जिम्मेदारी है हमारी, एक तो मेहमान, ऊपर से हमारी काकुल के ससुर, हमारे लिए तो भगवान समान है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे इतनी जल्दी मुलाकात का मौका मिलेगा। काकुल की शादी में आप लोग शामिल नहीं हो सके, बहुत अखरा, काश कि आप लोग भी शामिल हो पाते। अरे आइए ना, आइए आइए। वैसे आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि शादी में हम लोग शामिल होंगे? ना हमसे कोई राय ली गई, ना हमें इत्तला किया गया, सब कुछ तो आप ही लोगों ने तय कर लिया। बस प्लेन के टिकट्स हमें भिजवा दिए। वैसे लड़की की शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी आप लोगों? लड़के के माँ बाप क्या चाहते हैं, वो इस शादी से खुश हैं या नहीं, इस बात की कोई परवाह ही नहीं आपको? भाई बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। एक मिनट जरा हमारा बात सुनिए आप अमरनाथ। देखिए आपका सम्मान और हमारी काकुल एक दूसरे को पसंद किए थे और ये बात यहाँ सब जानते हैं। लड़की का मामला था इसलिए हम देर करना ठीक नहीं समझे। हम तो मुंबई में भी एक शानदार रिसेप्शन देने का सोचे थे, मगर जब आप में से कोई शादी में नहीं आया तो इरादा बदल दिया। बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत ही अच्छा किया आपने मिस्टर सुजीत, क्योंकि रिसेप्शन में भी हम लोग नहीं आते। बाय द वे, किस बात का जश्न मनाने की उम्मीद कर रहे हैं आप हमसे? कि मेरा बेटा बागी हो गया, ये खुशी मैं दुनिया के साथ बांटूं?
या आपके घर की बेटी जबरदस्ती मेरे घर की बहू बन गई है, इस बात का मैं ढिंढोरा दुनिया में पीटूं? चल। से बात कर रहे हैं मऊ साहब आपसे, और आप हैं के अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बेटा मेरा जरूर ना समझ होगा मिस्टर सुजीत, मैं नहीं हूं। चोट लगाकर मरहम लगाने वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। देखिए अमरनाथ, श्री ओम शंकर जी, काकुल से कहिए कि अपना सामान बांध ले। क्या है, सुबह पहली फ्लाइट है मुंबई की। दामाद जी, समधी जी के लिए गेस्ट रूम में इंतजाम कीजिए, आराम करेंगे, थक गए होंगे। और देखिए इन्हें तकलीफ ना हो। आई जब चलिए। शुभ रात्रि। हेलो, हम बोल रहे हैं। वो हमने ये बताने के लिए फोन किया कि पापा जी ठीक से पहुंच गए। आए? हाँ, हमें लेने आए हैं और कल सुबह हम दोनों मुंबई आ रहे हैं। आपको नहीं पता कि पापा जी हमें लेने यहाँ आए हैं? काकुल, पापा से मेरी बात करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ओ, पापा जी तो बाबू जी के साथ हैं, हम उन्हें कह देंगे और वो आपको बाद में फोन कर लेंगे। अच्छा, दादी जी की तबीयत अब कैसी है? ऐसे कैसे फट से फोन काट दिया? कहीं दादी जी की तबीयत को कुछ नहीं, नहीं दादी जी को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, लग नहीं रहा नंबर। पापा बार बार मुझे रिस्पॉन्सिबल कहते रहते हैं, बार बार नाराज होते रहते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, और खुद क्या कर रहे हैं वो? पटना गए, पटना काकुल को अपने साथ वापस लाने के लिए। Are you sure? Are you sure? मतलब काकुल ने खुद फोन किया है मुझे और बताया है। चलो अच्छा है, दादी के बारे में सोचा तो पापा ने। अम्मा जी ने बिना रो धो के भूख हड़ताल करके अपनी बात मनवा ही ली, और ये किसी से बिना कुछ कहे ऐसे ही चल दी। आपसे पूछने बैठते तो आप जाने देती। डॉक्टर, या प्लीज चेक, बहुत रेस्टलेस हो रही है। नाउ शी विल बी फाइन। उसके जाने के बाद चैन की सांस भी नहीं ली थी हमने कि वापस आ रही है महारानी। मम्मी अच्छा है ना, और फिर दादी भी ठीक हो जाएंगी तो दादी का बहाना करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुश हो ना, तो जाओ जाके तैयार करो आरती की थाली अपनी भाभी के लिए। दादी, काकुल आ रही है। माँ जी देखिए, जैसे आप चाहती थी वैसे ही हो रहा है, अब तो कुछ खा लीजिए। अब तो काकुल के हाथ से ही खाऊंगी कौशल्या। माँ जी, अब जो जी लिया है तो सुबह तक तो जी जाओगे ना। दादी आप इस तरह की बात मत कीजिए प्लीज। ओके, पापा जी वो आपके लिए हम फल लाए। नहीं चाहिए। लीजिए ना पापा जी, अपने बगीचे के हैं। कहा ना नहीं, अभी कुछ ही देर पहले तो कॉफी पी। ठीक है, लेकिन आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप आराम कर लीजिए पापा जी। तुमने अपनी सारी तैयारियां कर ली है ना? मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता हूँ। जी पापा जी, हमारा बैग तैयार है। हम तो दीदिया से यही कह रहे थे कि पता नहीं हम कैसे इंतजार करेंगे सुबह तक। सुनो तुम, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ तो इस गलत फहमी में मत रहना कि हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है और अपनी बहू मान लिया है। मजबूर हो गए, मां की हालत ऐसी है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है वो, और सब तुम्हारे कारण हुआ। वो बेचारी तो भोली है, अपना पराया अच्छा बुरा इसका फर्क ही नहीं जानती। तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों से उन्हें अपनी तरफ कर लिया है। उनकी इच्छा ना होती तो मैं इस घर में आना तो दूर,
इस घर की तरफ देखता तक नहीं, इसलिए प्लीज ये वरम अपने दिल से निकाल दो। बाबू साहब आप बुलाए हमें? दामाद जी, छोटे दामाद जी का परिवार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब काकुल जी के ससुर को देखिए। अरे परिवार का मुखिया ही अगर अपने बहू को नापसंद करेगा तो बाकी का क्या औकात है। हमको तो लगता है जल्दबाजी में हम कोई बहुत बड़ा भूल कर बैठे हैं। हमारी काकुल को उस घर में कोई नहीं अपनाए। नहीं बाबू साहब ऐसा मत सोचिए। देखिए अमरनाथ जिस वक्त टेंशन में है उनकी मां की जिंदगी का सवाल है, तो ऐसा परेशानी में कंट्रोल नहीं रहता है दिमाग पे, जबान स्लिप हो जाता है। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे दीजिए उन्हें। अच्छा उनके सामने तो आप गुस्सा खा रहे थे, अब हमको समझा रहे हैं। बाबू साहब आप तो जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो एक सेकंड में सटक जाता है। लेकिन फिर हम सोचे कि गुस्से से बात बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, इसलिए हमें लगा कि इस मसले को तो बहुत प्यार से सुलझाना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। पहली बार हम बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। आखिर बेटी के बाप जो हैं, मरना हमारे चौखट पर कोई हमको इतनी बात सुना दे तो हम। इसलिए बाबू साहब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब तक काकुल हमसे कोई शिकायत नहीं करती है, खुश है अपने घर में, हमें फिक्र नहीं करना चाहिए उसका। तो आपको क्या लगता है काकुल खुश है? 24 घंटा अपने ससुराल को याद करती है बाबू साहब। जब देखिए आप फोन पे फुनियाती रहती है। अभी आप देखे थे अमरनाथ जी आए थे तो ऐसा खुश हुई है कि उसका बस चले तो वहीं पैकिंग करके निकल जाए उनके साथ। फिर बताइए क्या समझे बाबू साहब। हमें लगता है कि हर लड़की को अपने ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो झेलना पड़ता है। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, माँ बाप का बराबरी तो नहीं कर सकते हैं। अपनी काकुल एडजस्ट कर लेगी, या यूं कहिए कि वो लोग उसे एडजस्ट कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। पापा को अचानक क्या हो गया? काकुल को लेने चले गए। अब क्या करूंगा मैं? काकुल को लेने इसलिए परेशान? मैं जानता हूं इस वक्त जो भी मैं कहूंगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा समान, लेकिन जो भी पापा कर रहे हैं वही सही है, उसी में हम सबकी भलाई है। और दादी की हालत देख रहे हो ना तुम। व्हाट अबाउट मी? मेरे बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। श्री भैया, आई हैव नो फीलिंग्स फॉर काकुल। प्यार तो दूर की बात है, जिसके साथ मैं दो पल नहीं गुजार सकता उसके साथ कैसे अपनी पूरी जिंदगी। No way. बात तो सही है तुम्हारी, जिसके साथ दो पल नहीं बिता सकते उसके साथ सारी जिंदगी कैसे बिताओगे? और जिसको वादा करके गए थे जिंदगी भर साथ बिताने का, उसे भूलते तुम्हें दो पल नहीं लगे अपनी बदहवासी में जब लाट टपकाते हुए दौड़े थे उस लड़की के पीछे? यहां वंशिका की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, वहां काकुल की जिंदगी के साथ खेलने चले थे, इधर तुम्हारी हरकतों का तुम्हारे परिवार पर तुम्हारे मां बाप पर क्या असर होगा नहीं सोचा सिर्फ तुम। कह दिया खड़े होकर यहां, आई हैव नो फीलिंग्स फॉर हर, नो वे। तुम्हारी एक जिंदगी की वजह से क्या सारी जिंदगी दांव पे लग जाए? हर किसी को मनचाही चीज नहीं मिलती है सम्मान,
कहीं ना कहीं सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और ये तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज होगा। इसी कॉम्प्रोमाइज में तुम्हारा भला है, हम सबका भला है। और क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें ना कहा था ना, काकुल इज अ नाइस पर्सन, निभाओ। कितनी बार तुम्हें समझाया वंशिका कि तुम सम्मान से नहीं मिलोगी, मगर एक तुम हो जो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अरे इतनी सिंपल सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि सम्मान की शादी हो चुकी है, अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि काकुल अब हमेशा के लिए अपने घर चली गई है, वो कभी वापस नहीं आएगी, और सम्मान इस रिश्ते से आजाद हो जाएगा और फिर वो मेरे पास आएगा। पापा ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो वंशिका। रिश्ता छोड़ना आसान है, मगर एक रिश्ते से बाहर निकलना नामुमकिन तो नहीं, मगर मुश्किल तो जरूर है। मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं पापा। क्यों वंशिका, आखिर ऐसा क्या है सम्मान में? अगर उसकी फैमिली तुम्हारे खिलाफ होती, उसकी शादी उन्होंने फोर्सफुली कहीं और कर दी होती, तभी मैं मान लेता, मगर सम्मान तो तुमसे प्यार करता था ना, पर अब वो ये कहता है कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, तो तुम्हारे साथ साथ वो उस लड़की के साथ भी धोखा कर रहा है। और ऐसा इंसान तुम्हारे साथ जिंदगी भर वफादार रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। नो पापा, आई डोंट अग्री विद यू। सम्मान मुझसे प्यार करता है और मैं ये जानती हूँ। Why don't you understand, पापा? दीदी, अब आप समझाइए इस लड़की को। मुझ में अब और पेशेंस है। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं कि वंशिका सम्मान से नहीं मिलेगी, दैट्स इट। अरे अमरनाथ जी, अब तो हम लोगों के बीच रिश्ता हो चुका है, आप आए बहुत अच्छा लगा। अफसोस है कि हम दोनों ज्यादा समय साथ नहीं बिता सके। माताजी बीमार हैं, नहीं तो मैं तो चाहता था कि आपको रोक लूं, लेकिन आग्रह है कि जब भी फुर्सत हो हमारे घर आए रहें, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आपकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहूंगा ओम शंकर जी। आप जैसे लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैं इस रिश्ते से खुश हूं, ना ही आपसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूं। मेरी माँ बीमार है। उनकी हालत बहुत नाजुक है, बार बार काकुल को याद कर रही है, इसलिए उनकी खातिर मुझे यहां आना पड़ा, वरना आपके घर की दहलीज पर कदम रखने का मेरा कोई शौक नहीं। देखिए अमरनाथ जी, इसमें भड़कने बाबूजी, हम चलते हैं बाबूजी, प्रार्थना कीजिएगा कि दादी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। काकुल बिटिया का सामान उसके कमरे में रखो। क्यों बाबूजी, हम तो पापा जी के साथ जा रहे हैं ना। देखते हुए हम कुएं में छलांग लगाने को नहीं कह सकते हैं काकुल को। नाना से, दामाद जी से बहुत कुछ सुना मैंने, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मुझे इन पर विश्वास नहीं है। कोई इंसान किसी को इतना नापसंद करे
ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे ससुर जी आए, हमने दिल खोल कर स्वागत, ना कोई शिकायत ना कोई सवाल, मगर ये यहां अपने स्वार्थ के लिए आए। इनसे मिलने के बाद, इनको सुनने के बाद, हम तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं काकुल। बाबूजी ये आप, बहुत गुस्सा, बहुत नफरत भरा हुआ है आपके मन में हमारी काकुल के लिए। आप मजबूर होंगे अमरनाथ जी, हम मजबूर नहीं हैं कि अपनी बेटी को उस घर भेज दें जहां न कोई इज्जत न मान मर्यादा। काकुल आपके घर नहीं जाएगी। बाबूजी, यह हमारा फैसला है। अपने इस फैसले पर दोबारा विचार कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। डॉक्टर, दादी माँ। दादी? काकुल। दादी? दादी? देखिए ना दादी, हम आ गए दादी। तुमने आने में बहुत देर कर दी काकुल।